हेलो सिरमौर, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं सिरमौर शहर की कुछ चुनिंदा खबरें, तो आइए करते हैं शुरुआत। जिला सिरमौर के रेड रिबन क्लबों को एचआईवी पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित। मौसम के मिजाज ने डराए नोहराधार के लोग, सैरतुंडला में घर की दीवार गिरी। फर्जी डिग्रियां बेचे जाने के विरोध में सिरमौर में एनएसयूआई के प्रदर्शन, सीएम से कार्रवाई की मांग। कोटी बोंच के 390 विद्यार्थी चार क्लासरूम में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग जिला सिरमौर में संचालित 18 रेड रिबन क्लबों के लिए दो दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहा है। इस शिविर में रेड रिबन के सदस्यों को एचआईवी एड्स के बारे में बताया जा रहा है, ताकि ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर आमजन को इस रोग से बचाव पर उनका मार्गदर्शन कर सकें। जिला एड्स कंट्रोल सोसाइटी की डॉक्टर वीना सांगल ने बताया कि एड्स की रोकथाम के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रेड रिबन क्लबों को यहां पर प्रशिक्षित व जागरूक किया जा रहा है। क्लब की ट्रेनिंग रखी है। रेड रिबन क्लब जो है ये हमारे ऐसे क्लब हैं जो डिग्री कॉलेजेस में और आईटीआईज में हैं। सिरमौर में 18 रेड रिबन क्लब हैं जो एचआईवी प्रिवेंशन पे अवेयरनेस पे काम करते हैं। एचआईवी प्रिवेंशन का अवेयरनेस है, उसके लिए ये लोग अलग अलग कॉलेजेस में, स्कूल्स में या कम्युनिटीज में जाके जो है लोगों को अवेयर करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट में बुला के, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बुला के इन लोगों को सही जानकारी देते हैं, सही तरीके बताते हैं कि कैसे ओरिएंटेशन लोगों का करना है, कैसे एचआईवी फैलता है। जैसे मैं ये बताना चाहती हूँ कि एचआईवी जो है उसका फैलने का बस वो चार तरह से फैलता है। सबसे बड़ा पिछले कई दिनों से जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हर रोज दोपहर के समय बारिश हल्की बर्फबारी का दौर चला हुआ है। जहां हर रोज सुबह हल्की धूप खिलती है, तो वहीं दोपहर बाद अचानक मौसम के करवट बदलने से आसमानी बिजली व बारिश ओलावृष्टि का क्रम शुरू हो जाता है। इस आसमानी बिजली गिरने से कई लोगों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व बिजली की वायरिंग जल चुकी है, जिससे लोगों का काफी नुकसान हुआ है। गत दिनों तहसील नोहराधार के तहत दुर्गम क्षेत्र सैरतुंडला में धर्मपाल का दो मंजिला मकान की एक दीवार पूरी तरह से ढह गई है। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। धर्मपाल अपनी पत्नी समेत दो बच्चों के साथ अंदर ही घर में मौजूद था। जैसे ही मकान की दीवार गिरी तो वे तुरंत बाहर निकले और घर की दीवार गिरी देख हक्के बक्के रह गए। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार 28 फरवरी को फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व ओलावृष्टि होने की संभावना जताई जा रही है। और इनके बड़े भाई हैं, आप भी कुछ बोल सकते हैं। हाँ, हम हिमाचल प्रदेश सरकार से, जिलाधीश महोदय सिरमौर से और एसडीएम संगड़ा से और तहसीलदार नौरा से निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस मकान की पूर्ति हेतु आप हमें कोई राहत दिलाएं। कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा लाखों की कीमत में फर्जी डिग्रियां बेचे जाने के विरोध में जिला सिरमौर के सभी महाविद्यालयों में एनएसयूआई ने रोष प्रदर्शन किया और प्रधानाचार्य के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। इस दौरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष धनवीर सिंह ने कहा कि लाखों रुपए देकर इन विश्वविद्यालयों से फर्जी डिग्री बांटकर शिक्षा व्यवस्था पर खतरा पैदा कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि इस संबंध में एक पत्र मुख्यमंत्री सरकार को 7 महीने पहले दे दिया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे में सरकार लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई जयराम सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द इन विश्वविद्यालयों की मान्यता रद्द कर दी जाए। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। मिनर्वा स्टडी सर्कल घुमारवी व बिलासपुर स्थित संस्थान में जेईई, नीट, एनडीए व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए आज ही पंजीकरण करवाएं। मिनर्वा स्टडी सर्कल के क्रैश कोर्स की कक्षाएं 18, 20, 22 और 24 मार्च 2020 को शुरू होंगी, तो आइए और अपना भविष्य संवारिए। पिछले 4 सालों में जहां एक और इस संस्थान से कोचिंग प्राप्त कर 50 से ज्यादा बच्चों ने विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला प्राप्त किया है, वहीं 70 से अधिक बच्चों ने विभिन्न आईआईटी व
NIT में प्रवेश प्राप्त किया है। बिलासपुर व घुमारवीं स्थित संस्थान में क्रैश कोर्स 2020 में जल्दी से जल्दी दाखिला लेकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस कोर्स में सीटें सीमित हैं, जो कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भरी जा रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश सरकार एक ओर तो राज्य के सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ाकर इनमें छात्रों की संख्या बढ़ाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों का स्तर सुधर नहीं रहा है। ऐसा ही मामला जिला सिरमौर के दूरदराज क्षेत्र रोनहाट के कोटीबोंच सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रकाश में आया है। यहाँ पर स्कूल के 390 विद्यार्थी मात्र 4 क्लासरूम में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। इन्हीं कक्षा के कमरों में बारिश के दौरान दो दो क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठाया जाता है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों में इस बात को लेकर रोष है कि कई सालों से स्कूल भवन की मांग को विभाग व सरकार अनदेखा कर रही है। स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य छज्जू राम ने बताया कि स्कूल के पास मात्र 4 क्लासरूम है। प्रशासन व विभाग से मांग की जा चुकी है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। कौन कौन से टीचर हैं आपके पास? हिंदी की हिंदी लेक्चर की से भी यहाँ पे आपके पास एक पोस्ट वैकेंट है। क्या हिंदी के लेक्चर है आपके पास? नहीं, हिंदी के भी नहीं। इकोनॉमिक्स के है? नहीं। और DP है आपके पास? नहीं। और केमिस्ट्री के टीचर भी है नहीं आपके पास? फिजिक्स के भी लेक्चर नहीं है आपके पास? TGT नॉन मेडिकल के 2008 से वैकेंट है आपके पास पोस्ट? मेरा नाम तारा सिंहता है और मैं प्लस टू कक्षा की छात्रा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे टीचरों की कमी है, बहुत सारे सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, यहाँ पर BSc भी नहीं है और इकोनॉमिक्स के टीचर अभी ट्रांसफ़र हुई है उनकी, और बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और PGT भी नहीं है और फिजिक्स और PT DP मेडिकल के टीचर कोई नहीं है। कमरे की कमी है और यहाँ पर धूप में इतनी गर्मी में बच्चे बाहर बैठ रहे हैं, बारिश की वजह से अब कहाँ बैठेंगे। हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं सिटिंग प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटीबोंच और साथ में बैठे इनके साथ अध्यक्ष SMC अध्यक्ष श्री छज्जू राम सिंहटा जी। तो मैं प्रिंसिपल सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोटीबोंच स्कूल की काफ़ी शिकायतें आ रही है, यहाँ पे काफ़ी सीटें सुनने वाले 14 सीटें वैकेंट है। हाँ जी, क्या आप हमें पूरी 14 सीटों की डिटेल दे दें, कौन कौन सी सीट कब से खाली है और कितनी सीटें खाली है? सर ऐसा है, ये बहुत पुराना स्कूल है, इस स्कूल में प्रधानाचार्य जी की तो पोस्ट अभी वैकेंट हुई नंबर में 23 नंबर 2019 से। जो बाकी हमारे पास सीटें सर वो बहुत पहले से वैकेंट हो रही है। जो हिंदी की लेक्चर की पोस्ट है वो पिछले साल से वैकेंट है, क्योंकि अप्रैल के एंड में श्री सुंदर सिंह जी रिटायर हुए थे, उसके बाद ये वैकेंट चली है। जहाँ तक इकोनॉमिक्स की पोस्ट है सर, हाल ही में खाली हुई है। श्री पंचराम जी यहाँ पर इकोनॉमिक्स के न्यू लेक्चरर थे, वो अभी ट्रांसफ़र होकर के नैनीदार चले गए हैं। बाकी पोस्ट हमारे पास लंबे समय से वैकेंट है, जैसे DP है, केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की है और TGT नॉन मेडिकल की जो पोस्ट है खासकर वो 2008 से वैकेंट चली आ रही है। इस समय हमारे पास TGT नॉन मेडिकल, TGT मेडिकल नहीं है 10वीं और 9th को पढ़ाने के लिए, और PT की पोस्ट वैकेंट है। इसके साथ जो हमारा मिनिस्टर स्टाफ है वो सुप्रिटेंडेंट वैकेंट है, सीनियर असिस्टेंट, और 3 पोस्ट हमारे पास लेब अटेंडेंट की है जो बहुत लंबे समय से वैकेंट आ रही है। यहाँ सर ऐसा है कि कोई भी लोग या नेता या कोई हमारे स्थानीय जो लोग हैं ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात है वो हमारे पास दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अभी हाल ही में एडमिशनें चली हुई है तो मेरा आइडिया कि तकरीबन 400 के पार आंकड़ा चला जाएगा,
और इनको कवर करने के लिए हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्रयास से या कहीं ऊपर लेवल से या हाई कमान के सहयोग से हमारी पोस्ट फिलअप कराएंगे तो हमारे स्कूल का जो कार्यक्रम है बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि पेरेंट्स की धरोहर बच्चे हैं, अगर उनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो उनका भविष्य जो है कि बड़ा धुंधला हो जाएगा और माँ बाप को भी परेशानी उठानी पड़ेगी। सर, इसके लिए ऐसा है कि हमारे पास बिल्डिंग की बहुत सारी कमी है, क्योंकि हमारे पास क्लासें कुछ भारी बैठती हैं, सभी बच्चों को क्लासरूम में अलाउड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास चार ही कमरे क्लासरूम के हैं, जिसमें एक साइंस लैब है और एक आईसीटी लैब वाली है, इसलिए जो हमारी क्लास है वो बाहर बैठती है। जबकि सरकार की ओर से पैसा भी आया है 16 लाख के करीब, लेकिन PWD की तरफ से इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है और हमारे बच्चे जो है कि धूप और पानी महाराष्ट्र हो रहे हैं। कभी मजबूरन ऐसा होता है कि अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो बच्चों की छुट्टी भी करनी पड़ती है, क्योंकि बैठने के लिए क्लासें नहीं हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि बिल्डिंग के विषय में अगर आप कुछ कर पाएँ या किसी हायर अथॉरिटी के माध्यम से इस विद्यालय के लिए कुछ और फंड उपलब्ध कराएं तो हम आपके बड़े आभारी रहेंगे, क्योंकि आप लोग सराहनीय हैं और आप कर सकते हैं। तो हमारा अनुरोध है कि ताकि हमारे बच्चों की परेशानी हल हो जाए आप इसके विषय में भी ऊपर लेवल में बातचीत करें। धन्यवाद।